इस वक्त हमें खडूर साहिब सीट पर, ये वो सीट जो चर्चा का विषय बनी हुई हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह चुनाव मैदान में है। खुद डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए लगा हुआ जेल में बंद है, लेकिन वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन उनके पिता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बाकी समर्थक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके पिता से बात करने की कोशिश करेंगे। अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज सुखबीर सिंह बादल कह रहे थे कि जो इसके पीछे आरएसएस का हाथ है, जो एडवोकेट मिलके आ रहे हैं वो आरएसएस के इंचार्ज हैं। क्या कहेंगे? सुखबीर बादल का तो आरएसएस से खुद कितने सालों तक संबंध रहा है, उसको तो ऐसी बात करने के कुछ खुद सोचना चाहिए कि बीजेपी के साथ कितने साल का उनका कोऑपरेशन चलता रहा है। तो अभी आप बाहर हो गए तो अभी दूसरे आरएसएस से हो गए तो वो पंथक हो गया, ऐसा बात तो उनको इस बात पर भी एतराज है कि अमृतपाल बंदी सिख नहीं है। उनको एतराज है, लेकिन लोगों को एतराज नहीं है। उनके एतराज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पब्लिक को कोई एतराज नहीं है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि अमृतपाल इस लोकसभा सीट से क्यों चुनाव लड़ रहे, क्यों चुनाव लड़ना चाहते, क्या मुद्दा क्या है उनका? ये लोगों का फैसला है जी, लोगों ने उनको चुनाव लड़ने के लिए बोला है, उन्हें मान लिया बात, लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों का कोई मुद्दा नहीं है? आप किस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं? आपको लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो ये लोग किस मुद्दे पर आपसे जुड़े हुए हैं? क्या मुद्दा है? वो हम देश को बताना चाहते हैं, क्या मुद्दा है अमृतपाल का? एकदम से हाईलाइट, नशिया का बेट, ड्रग का मुद्दा है, वो जो उनके साथ बेइंसाफी हुई है, लोगों के मन में उसका रोष है जी। पंजाबी इलाके खोए गए ने, सानू कदम भी इंसाफ नहीं मिलिया। 84 कतलेआम हो इंसाफ नहीं मिलिया। अपने 1 जून दरबार साहब से हमला होया, सानू इंसाफ नहीं मिलिया। एक विरोधी आरोप लगा रहे, क्योंकि मैं लगातार लोगों के बीच जा रही हूँ, उनसे मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अमृतपाल जीत जाते, कल ही रवनीत बिट्टू ने कहा मेरे साथ बातचीत में कि अगर अमृतपाल जीत जाते हैं तो बहुत बड़ा खतरा है पंजाब के लिए। पंजाब को कोई खतरा नहीं, खतरा अभी खतरा है, रोज हजारों नौजवान मर रहे हैं नशे से, और लुट चोट कत्लोगार गैंगस्टर, कितना व्यापारी लोग को धमकियां दे रहे हैं, अफरौतियां मांग रहे हैं, अभी खतरा नहीं है। बिरसा सिंह वल्टोवा कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती कर देंगे आप अगर ऐसे चुनाव मैदान में आप आ गए, बहुत बड़ी गलती होगी, पंथक जो राजनीति हो रही थी उनको वो समा उनका खत्म हो गया, अभी उनको खतरा है, अभी देश को जहाँ पंजाब को कोई खतरा नहीं है, अभी उसकी राजनीति को खतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। तो यहाँ पर ये आप सुन रहे थे अमृतपाल सिंह के पिता से, उनके बिहाफ पे ये यहाँ पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं कि खतरा पहले था, अभी खतरा नहीं है। अब देखना होगा कितना समर्थन मिलता है, क्या ये इस समर्थन को जीत में तब्दील कर पाते हैं। मुद्दे पंथक है, यहाँ पर सियासी समीकरण बदल चुके हैं अमृतपाल के चुनाव मैदान में आने से। और खडूर साहिब सीट से मेरे सहयोगी अजय कुमार के साथ मैं स्पेश नैन मोर न्यूज 18।